वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल। उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज मैं फिर से चली आ रही हूँ आप लोगों के साथ एक स्वादिष्ट बल्कि सिंपल रेसिपी शेयर करने। तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे रेसिपी शेयर किया, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डेकर्स लैंड स्पेशल चिकन वाइट सूप। तो देख लेते हैं ये वाला चिकन वाइट सूप कैसे बनता है। मेरा चैनल आप लोगों को अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए डेकर्स लैंड स्टाइल चिकन वाइट सूप बनाने के लिए मैंने इधर चिकन लेग पीसेस लिया है। तो चिकन लेग पीसेस को पहले कढ़ाई में डाल लेते हैं, ये वाला छोटा पीसेस है इसको डाल लेते हैं। आप इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी पानी जिससे वो चिकन ब्रॉथ या चिकन सूप तैयार होगा। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा सॉल्ट, देखिए थोड़ा सा सॉल्ट डाला मैंने, और इसको उबालने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए मैंने इधर चिकन को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया, इसके अंदर थोड़ा सा नमक और पानी डाल के चिकन को बॉईल करने के लिए मैंने छोड़ दिया। चिकन को 50% बॉईल कर लेना है। फिर भी ये चिकन वाइट सूप बनाने के लिए थोड़ा सा ऑनियन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऐसे मैंने छोटा छोटा ऑनियन अंदर से दो पोर्शन कर लिया है। तो ये वाला ऑनियन भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये चिकन वाइट सूप बनाने के लिए ये वाला ऑनियन का एक पेस्ट बनाना होगा और ऑनियन को इसके लिए उबालना भी होगा। तो क्यों ना हम ऑनियन को चिकन के साथ ही उबाल लेते हैं, तो चिकन के अंदर ऑनियन का एक स्वाद भी आएगा और ऑनियन अलग से बॉईल भी नहीं करना पड़ेगा, गैस का सेविंग्स होगा। चलिए इसको उबाल लेते हैं। देखिए चिकन पीसेस को बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जो प्याज था वो चिकन पीसेस के अंदर एकदम बॉईल हो गया। और अब मैं क्या करूँगी, ये प्याज को एक कटोरा में ले लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। चलिए इसको कटोरा में निकल लेते हैं। देखिए हमारा चिकन सूप अभी भी उबल रहा है और मैंने इधर प्याज को बॉईल कर लिया और इसको एक कटोरा में ले लिया। अब हमें इसका एक प्यूरी बना लेना है। चलिए इसका एक प्यूरी बना लेते हैं। देखिए हम लोगों का चिकन सूप बन के तैयार हो गया। अब हमें चिकन पीसेस को एक साइड में कर लेना है और चिकन ब्रॉथ को एक बोल में ले लेना है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए मैंने इधर चिकन पीसेस को अलग कर लिया, चिकन को मैंने 60% बॉईल कर लिया है और उसके साथ साथ मैंने चिकन का जो ब्रॉथ है या चिकन का जो स्टॉक है उसको भी अलग कर लिया, और चिकन के अंदर जो प्याज को बॉईल किए थे वो प्याज को भी देखिए अच्छे से पेस्ट बना लिया मिक्सर ग्राइंडर जार में। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई को गर्म कर लिया, बहुत ही सिंपल तरीका है। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा, बहुत ही कम। जैसे ये वाला सूप बच्चे लोगों के लिए बनता है तो इसमें ऑयल बहुत कम डालना होता है। इसके साथ साथ हमें इसके अंदर डालना है बटर। मैंने इधर 2 टीस्पून जैसा बटर लिया है, पूरा बटर को मैंने डाल दिया। जैसे बटर ना उबले उसके साथ साथ मैं इसके अंदर बटर को एक बार चला लिया और इसके अंदर मैं बॉइल्ड ऑनियन का पेस्ट डाल दिया। और बॉइल्ड ऑनियन का पेस्ट डालते ही हमें इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। चलिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए मैंने ऑनियन को इधर अच्छे से फ्राई कर लिया बटर के साथ। जैसे ऑनियन पहले ही उबला हुआ है, इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चला लिया इसको। अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, इसके अंदर हमें पहले डालना है ये वाला चिकन ब्रॉथ। आस्ते आस्ते इसके अंदर हमें ये चिकन ब्रॉथ डाल देना है और चिकन ब्रॉथ को अच्छे से ऑनियन पेस्ट के साथ मिला लेना है और इसको एक उबाल आने देना है। चलिए इसको एक उबाल आने दे। देखिए मैंने चिकन ब्रॉथ को अच्छे से ऑनियन पेस्ट के साथ अच्छे से उबाल लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे ये चिकन वाइट सूप है तो हमें इधर मैंने कॉर्नस्टार्च पाउडर लिया है, 2 टीस्पून लिया है। इसके अंदर पानी देके इसको एक सलाड़ी बनाना है और सलाड़ी इसके अंदर डाल देना है। चलिए इसको एक सलाड़ी बना लेते हैं। देखिए मैंने इधर एक बोल सलाड़ी बना लिया। अब हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सलाड़ी ऐड करना है। अब थोड़ा थोड़ा करके स्पून को चला लेना है, जैसे सलाड़ी इसके अंदर ना बैठ जाए हार्ड होके।
सलाड़ी एकदम अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाना है। देखिए चिकन सूप कितना गाढ़ा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, थोड़ा सा उबल लेने दे, उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। देखिए ये चिकन सूप कितना गाढ़ा हो गया है, सलाड़ी जस्ट ऐड करने के बाद एकदम गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर एक बोल पानी ऐड कर दूँगी, इसको अच्छे से चला लूँगी। और इसके साथ साथ हमें इसके अंदर कुछ ऐड करना है, जैसे हमें पहले इसके अंदर ऐड करना है ब्लैक पेपर पाउडर। जैसे ये चिकन सूप बच्चे लोगों का बहुत पसंद होता है, तो इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड नहीं होता है, ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ होता है। मैं इधर 2 टीस्पून जैसा ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया और इसको अच्छे से चला लेना है, जैसे कोई भी मसाला किधर जाके हार्ड ना हो जाए। इसके साथ साथ हमें इसके अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट इतना सा सॉल्ट ऐड करना है, जैसे मैंने पानी ऐड किया। और उसके साथ साथ हमें इसके अंदर डालना है नींबू का रस, फ्रेश लाइम जूस, आप चाहे तो जो कोटरा में जो मिलता है, बोतल में जो मिलता है, वो वाला नींबू का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसको अच्छे से मैं चला लिया। अब हमें इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। क्या करना है, ये चिकन पीसेस जो है इसको इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से उबालना है। जितना अच्छे से उबलेगा उतना अच्छा ये चिकन का स्वाद इस सूप के अंदर जाएगा और ये अच्छा खाने लगेगा। विंटर चला गया है, वरना विंटर का जो वेजिटेबल्स होता है, जैसे आप गाजर डाल सकता है, बीन्स डाल सकता है, वो डाल के भी ये सूप बना सकता है। ये डेकर्स लेन स्टाइल वाइट चिकन सूप है, कलकत्ता का स्पेशल है। पर आप तो विंटर चला गया है, गाजर बीन्स ज़्यादा मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं सिर्फ चिकन देकर ही इसको बना रही हूँ। चिकन को अच्छे से सूप के अंदर कोट करना है और इसको एक बॉयल आने तक वेट करना है। देखिए हम लोगों का चिकन वाइट सूप एकदम बन के तैयार है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हुआ है। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए हम लोगों का डेकर्स लेन स्टाइल वाइट चिकन सूप बन के तैयार है। अब मैं इसके अंदर बॉइल्ड हुआ मिल्क 2 to 4 टेबलस्पून डाल दूँगी। देखिए ऐसे हमें बॉइल्ड मिल्क डालना है, इससे इसके अंदर और भी ज़्यादा स्वाद आएगा। आप चाहें तो इसके अंदर आप जो फ्रेश क्रीम होता है वो क्रीम भी डाल सकता है। ऐसे बॉइल्ड मिल्क को अच्छे से इसके अंदर डाल लेना है। देखिए मैंने इधर बॉइल्ड मिल्क लिया है। कच्चा दूध भी आप यूज़ कर सकता है, पर बॉइल्ड मिल्क यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए इधर मैंने बॉइल्ड मिल्क लेके चिकन सूप को बना लिया। वाइट चिकन सूप एकदम बन के तैयार है। देखिए हम लोगों का वाइट चिकन सूप एकदम बन के तैयार है। आप चाहे तो इसको स्प्रिंग ऑनियंस देखिए भी सर्व कर सकता है। मैंने जो बॉइल्ड मिल्क एकदम सूप सर्व कर लेने के बाद ऐड किया, आप चाहे तो वो बॉइल्ड मिल्क को या फ्रेश क्रीम को जब कुकिंग कर रहे हैं तब भी ऐड कर सकता है। और मैंने मामी को मैंने हमेशा देखा है कि जब बॉइल्ड मिल्क तब भी ऐड करता है जब वो चिकन सूप एकदम तैयार हो जाए। और सूप के अंदर ये वाला देखिए चिकन पीसेस भी कितने अच्छे से तैयार हो गया है, ऊपर से सूप भी इतना सा वाइट टाइप का बना है। अब अच्छे से देख लीजिए, एकदम भरा हुआ है कप। मैंने ये वाला एंजॉय सूप का जो कप मिलता है वो सूप वाला कप में इसको सर्व किया। आप इसको अच्छे से ब्रेड के साथ खा सकता है और नॉर्मल वाला जो रोटी होता है होममेड तंदूरी नान सबके साथ इसको एंजॉय कर सकता है, एज अ स्टार्टर भी खा सकता है, बच्चे को दे सकता है। प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए ये वाला सूप को। आज की तरह विदा चाहूँगी, फिर लौट के आऊँगी फिर से दूसरा एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ में रहिएगा और मेरा रेसिपी देखते रहिएगा। आप लोगों के साथ मैं अच्छा वाला रेसिपी भेजते रहूँगी। और तब तक के लिए बाय। कोरोना से सेफ रहिएगा, घर पे रहिएगा, घर से निकलना मत। अगर यू स्टे एट होम देन इंडिया विल विन द बैटल एंड यू विल बी सेफ ऑल्सो। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।